सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ट्रेंडिंग स्टफ। और जो अभी आपने इंट्रो देखा मेरे चैनल का, तो अगर आप भी वैसे टेक्स्ट के साथ कोई वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के लिए अपने इंट्रो बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस ऐप की मदद से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपको जानना है कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और जो ऐप की लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, थैंक यू। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे, जो कि इंट्रो मैंने बनाया था, वो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है एनिमेटेड टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे एनिमेटेड टेक्स्ट। तो उसके बाद आपको सर्च कर देना है, ये ऊपर ही सजेशन में दिखा रहा है। तो इसको मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आप में नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करके उसके बाद ओपन कर लेंगे प्ले स्टोर से, या तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से। तो इस ऐप में आप यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो गैलरी, यहाँ से वीडियो चूज़ कर सकते हैं। अभी आपने कोई वीडियो बनाया नहीं है, और यहाँ से आप GIF सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको बनाना पड़ेगा, तब GIF या फिर वीडियो में कोई कंटेंट आएगा जब आप बना लेंगे, कंप्लीट कर देंगे एक वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी आपको टाइप कर देना है, जैसे कि ट्रेंडिंग स्टफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम। तो इसको आप ओके कर दीजिए, प्ले पे क्लिक करेंगे। तो प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइंस में आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में, और इसमें आपको ढेर सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, और आपको स्टाइलिश फॉन्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे ढेर सारी डिज़ाइंस हैं, जिससे कि आप अपना एक यूनिक सा कंटेंट आप अपने लिए बना सकते हैं। तो इसमें आप हर एक डिज़ाइन के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पहला बैकग्राउंड चूज़ किया है, पहला डिज़ाइन, और इसमें मैं जितने भी कलर्स हैं बैकग्राउंड के और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, उसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि सब पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको ये लैंडस्केप मोड में चाहिए या फिर स्क्वायर मोड में चाहिए, तो भी आप स्क्वायर मोड में भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। और आपको अगर 512p में चाहिए तो 512 पिक्सल में आपको मिल जाएगा, 720p में चाहिए तो उसमें मिल जाएगा, और 1080 का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अगर YouTube के लिए चाहिए तो हम लोग लैंडस्केप मोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना। तो इसको हम लोग इसको सेव एज वीडियो या फिर सेव एज GIF आप किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव एज वीडियो सेव कर चुका हूँ, और यहाँ पे ये 512p में हम लोगों का जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ऐड आ रही है यहाँ पे, और व्यू बन चुका है हम लोगों का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 सेकंड्स का बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी ऐप है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।